गुरुवार को पटना में बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की मौत को लेकर पार्टी के नेताओं ने आज बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और काला दिवस मनाया। बीजेपी विधायकों ने इस मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं फतुहा में विजय सिंह के अंतिम संस्कार में बीजेपी के नेताओं ने हिस्सा लिया और राज्यपाल से मुलाकात भी की। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश सरकार ने पुलिस से लाठीचार्ज कराकर विजय सिंह की हत्या कराई है, लिहाजा नीतीश और तेजस्वी दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सत्ताधारी महागठबंधन पुलिस के इस दावे को सच बता रहा है कि विजय सिंह की मौत लाठीचार्ज से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। गुरुवार को पटना की सड़कों पर हुए लाठीचार्ज का असर शुक्रवार तक जारी रहा। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही दिन सदन के बाहर बीजेपी के विधायक काले कलाई पर काली पट्टी और जुबान पर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी बिहार की राजधानी वह हंगामे की वजह से नीतीश कुमार की साजिश है। अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ कैसे? यहाँ का जिला सभादार नेताओं ने राजद के नेताओं ने हटो यार लाइव जा रहा है बीच में माइक लगाए हुए अपने प्रशासन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करना चाहती है। नीतीश कुमार लोकतंत्र का हत्यारा है। बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रतिकार मार्च भी निकाला। बीजेपी के विधायकों ने सदन के अंदर भी काला गमछा दिखाकर प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष ने लालगंज विधायक संजय सिंह को मार्शल के जरिए बाहर करवा दिया। सदन के अंदर नहीं बोलने दिया जा रहा है, सदन के बाहर लाठी चलाई जा रही है, सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा। ऐसा आपातकाल इमरजेंसी बिहार में लागू कर दिया गया है। हमको बोलने नहीं देते हैं सदन के अंदर, विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते हैं, और सड़क पर हम जब प्रदर्शन करते हैं बिहार के जनता के हितों में, बिहार के नौजवानों के हित में, बिहार की महिलाओं के हित में जो हम संघर्ष करते हैं, हम पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा। ऐसा दृश्य आपातकाल भी इसके सामने विफल हो रहा है। हम लोग सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने कल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या करवाई है, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरह लाठी चलाई गई माननीय सांसदों पर, माननीय विधायकों पर, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह लाठी चलाई गई, उससे यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार की सरकार सोची समझी साजिश के तहत बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को अपराधी और आतंकवादी के तरह ट्रीट कर रही थी। सदन में हंगामे के बाद बीजेपी के सभी नेता विजय कुमार सिंह के दाह संस्कार में शामिल हुए। विजय कुमार सिंह को शहीद बताते हुए नारे लगाए। दोपहर बाद एनडीए के नेताओं ने राजभवन मार्च कर राज्यपाल से मुलाकात की। गुरुवार को पटना की सड़कों पर हुई लाठीचार्ज की बाबत राज्यपाल से शिकायत की। इस तरह से घटना घटी है, पुलिस ने बर्बरता पूर्वक उनको मारने का प्रयास किया है, और हमको तो ये लगता है कि पुलिस से ज़्यादा सादा बेस में दूसरे लोग थे, उन्होंने ज़्यादा मारा है। इसका मतलब सरकार जानबूझकर के लोगों को पिटवाने का साजिश किया है, और उसमें सरकार के लोग सफल हुए हैं। ये लाठी छटकाने का इस तरह से ये जनतंत्र में उसका कोई स्थान नहीं है। ये तो लगता है कि इमरजेंसी से भी आगे बढ़ गई है ये बात। इसलिए अगर प्रशासन के लोग कह रहे हैं तो उनकी ठोठी दलील है। बिहार सरकार की माने तो बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत हंगामे या फिर लाठीचार्ज से नहीं बल्कि हार्ट अटैक आने से हुई। पटना जिला प्रशासन ने भी दावा किया कि विजय कुमार सिंह की मौत की वजह लाठीचार्ज नहीं है। पटना के एसएसपी के मुताबिक विजय सिंह के साथी भरत प्रसाद चंद्रवंशी के बयान के आधार पर पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी की जांच की।
जिससे स्पष्ट हो गया है कि छग्गू बाग में ही विजय सिंह को हार्ट अटैक आया और लाठीचार्ज से उनकी मौत नहीं हुई। जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा उस फुटेज में ये भी स्पष्ट है कि उसमें न तो कोई पुलिसकर्मी वहां दिख रहा है, न किसी प्रकार का कोई भगदड़ वहां मची हुई है, सामान्य ट्रैफिक चलते हुए दिख रहा है। तो इस संबंध में, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सारी घटना ऐसी परिस्थिति में हुई, हम लोगों ने पूरी पारदर्शिता बरतते हुए प्रशासन ने, हमने जो है मजिस्ट्रेट से इंक्वेस्ट कराया है, हमने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और साथ ही साथ पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया, वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कराया गया है। विजय कुमार सिंह की मौत पर बीजेपी उग्र है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी से हत्या बता रहे हैं और जेडीयू और आरजेडी पुलिस के दावे को सही ठहरा रही। पहले सोच समझ करके कोई चीज आरोप लगाना चाहिए। आरोप लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत आसान है, किसी पे भी आरोप जो है आप लगा दें, लेकिन उसको साबित करना, जमाने निकल जाते हो नहीं पाते। सोच समझ करके इस तरह की बातें रखनी चाहिए। चार दिन चला, आपने चार दिन में क्या पाया? आप बता दीजिए, बीजेपी के लोगों ने ढंग से कोई बात करी हो, डिबेट करते, बहस करते, आप क्यों नहीं, कोई खामियां होती तो आप सदन में गिनाते, उसका जवाब दिया जाता। ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स होता, सदन चलता। सोची समझी साजिश थी, नीतीश कुमार जी ने हत्या किया भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री शहीद विजय सिंह की हत्या करवाने का काम नीतीश कुमार जी ने करवाया और तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिटवाने का काम किया है। और अब तो एक मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि हमने बदला लिया। अरे भाई, बदला किस चीज का? ये लोकतंत्र में हम 10 लाख सरकारी नौकरी के मुद्दे पर विधानसभा मार्च कर रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जहाँ 1700 करोड़ का पुल गिर गया हवा के झरोके में, उस भ्रष्टाचार पे एक भी FIR दर्ज नहीं हुआ। विजय सिंह जी के का मृत्यु हो गया, हम सबों को उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना है, लेकिन विजय सिंह जी घटना स्थल पर, लाठी चार्ज के स्थल पर पहुंच ही नहीं पाए। ये सारा रिकॉर्ड, वीडियो और सारा कुछ है। उनके साथ जो व्यक्ति थे, भरत चंद्रवंशी जी, उन्होंने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हम वहां पहुंच ही नहीं पाए थे। तो जब वो घटना स्थल पर पहुंच ही नहीं पाए थे, तो लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु कहां से हो गई? मानसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन विजय कुमार सिंह की मौत का मामला शांत नहीं हुआ। 5 दिनों का मानसून सत्र हंगामे की भेड़ चढ़ गया। किसी भी दिन सदन विपक्ष के साथ 15 मिनट से ज्यादा नहीं चली और ना ही विपक्ष ने अपनी मांग को सदन के अंदर सरकार के सामने रखा, केवल सदन के बाहर और अंदर हंगामा हो रहा था। इस बीच जनहित के मुद्दे खो गए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।